99% लोगों को पता नहीं होगा कि ये पराठा किसका बन रहा है। ये मेरी दादी ने बनाया था, आज मैं आपको दिखाऊंगी। ये मैंने मूंग की दाल को पानी में भिगोकर 4 घंटे रख दिया था और उसको अच्छे से 3-4 बार पानी में से धोकर साफ कर दिया। अब हम इसको मिक्सी के जार में डालेंगे और इसमें पानी जरा सा भी नहीं डालेंगे और इसको हम दरदरा पीस लेंगे। आप इसको क्या नाम देंगे? इस तरह से हमारी दाल पिस गई। ना हमें इसको पेस्ट बनाना है और ना हमें इसे ज़्यादा दाल दाल दिखे ऐसे भी नहीं बनाना, हमें आधी दाल और आधी पेस्ट बन जाए इस तरह से। और इसमें अगर आप पानी डालोगे तो ये फिर पानी से ये बहुत ज़्यादा गीली हो जाएगी, इसको सुखाते सुखाते बहुत मेहनत लगेगी और खाने में स्वाद भी नहीं आएगा, इसलिए इसको इस तरह से रखना है। मैंने 1 चम्मच घी डाल दिया और मसाले वही जाएंगे बेसिक घर के ही। इसमें जाएगी सौंफ 1/2 चम्मच, अजवाइन स्वाद अनुसार, इसमें इसका बहुत फ्लेवर आता है। हींग डाइजेशन के लिए ज़रूर डालनी है, हींग के बिना कोई काम नहीं होता है। ये खाएंगे तो ऐसा लगेगा कि आप कचौरी खा रहे हो। इसमें जाएगा स्पाइसी लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, अब जाएगा इसमें 1 चम्मच बेसन। अब हम इसको इस तरह से थोड़ा सा घुमाएंगे, बेसन से क्या होगा दाल चिपकेगी नहीं। हम इसको इसका कच्चापन हटाना है बेसन का, आप देख सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे दाल, अब इसमें हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, नमक शमक डाल देते हैं, नमक शमक। इसमें धनिया पाउडर और इसका राजा अमचूर पाउडर, खटास नहीं हो तो फिर इसका क्या मजा। 99% लोगों को नहीं पता इसको आप क्या कहेंगे, कचौड़ी समोसा, इसका नाम क्या रखेंगे आप, ये आप हमें बताएं। 99% यही कहेंगे कि ये कचौड़ी का मसाला है, लेकिन आप बताएंगे हमें ये क्या चीज़ है जब फुल बन जाएगी। अब ये हमारा मसाला रेडी हो गया इस तरह से, अब हम गैस बंद कर देंगे और इसको ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे और हम बनाएंगे, आटा गूंदेंगे। गेहूं का आटा नॉर्मली अगर आपके घर बच जाता है वही, और नहीं तो हम आटा गूंदेंगे जैसे नॉर्मल आटा गूंदते हैं, उसमें हमें नमक डालना है बस। ये हमारा दाल का मटेरियल इस तरह से हो गया, अब हम इसको ठंडे करने के लिए छोड़ देंगे। अब हमने आटा ले लिया गेहूं का, इसमें जाएगा, आप इसमें मैदा भी डाल सकते हैं, मोयन के लिए पराठा अच्छा बनेगा। इसमें जाएगा नमक स्वाद अनुसार, नमक आप कैसा लेते हैं उस हिसाब से लेंगे। इसमें हम थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और हम आटा पानी से गूंदेंगे। पानी से आटे को गूंदना है जैसे रोटी। हमने आटा मार लिया, अब थोड़ा सा घी डालेंगे और इसको रेस्ट कराने के लिए छोड़ देंगे, थोड़ी देर ये आराम कर ले फिर हम इसको उठाकर परेशान करेंगे। बिल्कुल अब इसको रेस्ट करने की ज़रूरत है। अब हमने आटे की लोई बना ली और रोटी की तरह जैसे रोटी बनाते हैं इसको रोटी की तरह बनाएंगे। आप इसको क्या नाम दोगे? अब हम इसको, घर में कोई भी ढक्कन होगा उसकी सहायता से इसको हम गोल कर देंगे
उस तरह से इसका माला हटा देंगे। इससे क्या होगी, रोटी परफेक्ट बनेगी, एक सी बनेगी। अब इसको थोड़ा सा अब हम इस पे लगाएंगे थोड़ा सा घी। और थोड़े से हम लगाएंगे इस पे तिल। तिल से क्या पराठा बहुत सुंदर लगता है। इस पे लगाएंगे थोड़ा सा हरा धनिया। इस पे डालेंगे चिली फ्लेक्स, इससे ये सुंदर लगेगा, बहुत सुंदर लगेगा। अब हम इसको हल्का हल्का सा 2-3 बार हल्का हल्का सा सिर्फ जैसे ये प्रेस हो जाए इसके ऊपर, चिपक जाए इस तरह से। अब हम इस रोटी को पलट देंगे। इसी तरह हमें सारी रोटियों को बनाना है। अब हम क्या करेंगे, दाल को रखेंगे इस पर। दाल अपने हिसाब से आपको कम ज़्यादा भरना, जैसे पसंद करते हो आप उस तरह से दाल को रखना है। इस तरह से हमें दाल को रखना है। आप देख सकते हैं अब हमें क्या करना है, इस तरह से। और ये हमने आटे का गोल बना दिया ताकि ये खुलेगा नहीं और इसको सेट हो जाएगा इस तरह से। और हम इसको नीचे से भी इस तरह से फोल्ड करेंगे। सारी रोटियां हम इस तरह से बनाएंगे। आप चाहें तो इसको कोई और भी शेप दे सकती हैं। अब ये मसाला कचौरी का शेप, समोसे का, आप इसको क्या नाम देंगे ये आप हमें बताएं। इसी तरह हमें सारी रोटियों को बनाना है। अब हम बनाएंगे नमकीन का। अब हम इस रोटी पे नमकीन रखेंगे। अगर आपको नमकीन पसंद हो तो आप नमकीन रख सकते हैं, नहीं तो इसको अवॉइड कर सकती हैं। इसी को भी हम इसी तरह से फोल्ड करेंगे। और इसको हम सारी रोटियों को इस तरह से, हमारी रोटियां बेल ली, कितनी सुंदर लग रही है। इसको आप क्या नाम देंगे। और तवा हमने गैस पर रख दिया और हम इसको इस तरह तवे पर साइड साइड से रखते जाएंगे। नीचे की साइड पहले रखेंगे ताकि वो अच्छे से सिक जाए। इस तरह हम इसको पकाएंगे। घी तब लगाएंगे जब पहले वो नीचे से अच्छे से सिक जाए, फिर ऊपर से सेकेंगे, फिर घी की बारिश करेंगे। अगर हम पहले घी लगाएंगे तो ये सब निकल जाएगा। तो ये क्या होगा, अभी पहले सब सिक जाएगा बढ़िया। लाइक शेयर जरूर करेंगे। अब हम इसको पलटेंगे। ये कितनी अच्छी सुंदर पक गई। अब उसके बाद अब हम इसको थोड़ा और सिकने दो नीचे से, फिर हम ऊपर से घी की बारिश करेंगे। फिर ये बहुत सुंदर क्योंकि पराठा तो घी के बिना बनता नहीं है। और आप चाहें तो उसको फ्राई भी कर सकते हैं और साइड से भी आप ऊपर करके थोड़ा सेक सकते हैं अगर आपको ऐसे लगे कच्चा है तो।